गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर योर अटेंडेंस एंड चेक ईच एंड एवरीथिंग एज यूजुअल। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल कंटिन्यू द क्लास। टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना, 8। 7 क्वेश्चन तक हम लोग कल कर चुके थे शायद, लास्ट 8 क्वेश्चन बचता है, फिर हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 1.4। लास्ट क्वेश्चन इज अ सीमेंट फैक्ट्री, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, कि अगर वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ ₹5 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, अगर वो ग्रे कलर की सीमेंट बेचती है तो हर बैग पर उसको ₹5 का लॉस होता है ना। यानी टू कंडीशंस हो चुकी है अपने पास, फर्स्ट मिली हमें प्रॉफिट की कंडीशन, तो प्रॉफिट मिलता है ₹8 का, कहां मिलता है, ऑन व्हाइट सीमेंट। सेकंड कंडीशन में हमें मिलता है लॉस, कब मिलता है लॉस, वो हमें मिलेगा ₹5 का ऑन ग्रे सीमेंट पर उसको ₹5 का लॉस मिलता है। अब हमारे पास ओवरऑल टू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, एक कंपनी क्या करती है 3000 बैग बेचती है व्हाइट सीमेंट के, एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, एक महीने में 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो केस नंबर फर्स्ट जो है उसमें लिखा हमने टोटल अर्न्स ऑन व्हाइट सीमेंट, तो 3000 बैग्स बेचे थे उसने, वन के ऊपर उसने ₹8 का प्रॉफिट कमाया था, 8 3 24, तो 24,000 रुपीज का उसको क्या हो गया था बेटा, प्रॉफिट हो गया, क्लियर। सेकंड, अर्न्स ऑन ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट के बैग्स वो बेच रही है 5000, वन बैग पर लॉस हो रहा है ₹5 का, तो उस पर वो कमाती है लॉस 5 5 जा 25, तो 25,000 रुपीज का लॉस कमाती है। यानी जब उसने व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचे तो उसको 24,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला, और वही जब उसने ग्रे सीमेंट के बैग बेचे तो उसने 25,000 रुपीज का लॉस अर्न किया। ओवरऑल देखा जाए तो उसके प्रॉफिट के हुए थे 24,000 रुपीज, लॉस में गया था वो 25,000 का, और ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तो क्या हुआ बेटा उसको लॉस, है ना, कितने का हुआ कि 25,000 माइनस 24,000, कुल मिला के उसको ₹1,000 का ओवरऑल लॉस हो गया। यानी जब उसने ग्रे सीमेंट और व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचे, कितने बेचे, व्हाइट के 3000 बेचे थे पर बैग पर, उसको ₹8 का प्रॉफिट मिल रहा था, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट मिला 24,000 का। वही सेम एज उसने लॉस पे बेचा था ग्रे सीमेंट को, कितने बैग्स बेचे थे 5000 बैग बेचे, तो उसको ₹5 के पर के अकॉर्डिंग 25,000 रुपीज का लॉस हुआ। ओवरऑल देखा गया तो 24,000 प्रॉफिट में आए थे, 25,000 लॉस में चले गए, सब्ट्रैक्ट करने पर ओवरऑल ट्रांजैक्शन जब हुआ था उसका, जब उसने सीमेंट और ग्रे सॉरी व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट दोनों की बात की थी, तो उस कंडीशन में उसको ओवरऑल 1000 रुपीज का लॉस हो गया, ओवरऑल 1000 रुपीज का क्या हो गया था उसको लॉस। सेकंड कंडीशन अपने को ये बता रहा है वो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स। आई थिंक यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं इसको एक बार के लिए रब कर देता हूं क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं कुछ और। चलें,
नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, कि वो वाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400, है ना। यानी उसने क्या कहा है कि उसने सेकंड केस में ग्रे सीमेंट, पर तो उसको क्या हो रहा है बेटा कि लॉस ही तो हो रहा है, कितने बैग बेच रहा है वो कि 6400 बैग्स, ईच बैग पर कितने का लॉस हुआ था उसको, 5 का, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 6 5 जा 32 और ये 2। यानी अगर वो केवल ग्रे कलर के बैग बेचता, यानी ग्रे सीमेंट के बैग बेचता, तो उसको 32,000 रुपीज का क्या होता, लॉस होता। बट उसने ये क्या कहा है कि वो व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचे कि उसको ना प्रॉफिट नो लॉस, है ना। यानी 32,000 रुपीज का लॉस हो गया ना, यानी उसको क्या करना है, व्हाइट सीमेंट के बैग पर 32,000 रुपीज का प्रॉफिट भी लेना है ना। तो प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट इतने का ही होगा वापस, 32,000 का, तभी तो उसको नो प्रॉफिट लॉस, नो लॉस है। हमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ बैग्स, वो भी किसके, व्हाइट सीमेंट के, टोटल कितने रुपए लगे उसके के 32,000, वन बैग पर टोटल प्रॉफिट कितना होता था उसको, 8 रुपीज का, तो हम 8 से क्या कर देंगे डिवाइड, 8 1 जा 8 8 4 जा 32, तो उसको क्या करने पड़ेंगे, 4,000 बैग्स किसके, वाइट सीमेंट के, कि अगर वो वाइट सीमेंट के 4,000 बैग बेचेगा तो उसके पास में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी, ठीक है, नो लॉस प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन उसको उस समय मिलेगी जब वो 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचेगा, ठीक है। तो यहां तक अपनी एक्सरसाइज होती है 1.3 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं 1.4। यहां हमने बात की थी मल्टीप्लाई के रिगार्डिंग, यहां बात करेंगे हम लोग डिवाइड के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.4 के रिगार्डिंग हम लोग। अब इसको यहां से थोड़ा सा बदल देते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, जहां मल्टीप्लाई की थी अब हम करेंगे डिवाइड। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, -30 इज डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 क्वेश्चन लिख लेता हूं। बी पार्ट इसका, 50 इज डिवाइडेड बाय -5। बहुत सिंपल सिंपल से पार्ट है, बस साइन का ध्यान रखना है ना। आई थिंक आप लोग मेरे से आगे निकल के होंगे ना, कईयों ने तो इसके आंसर्स निकाल भी लिए होंगे, तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ सबको, अपने अपने आंसर्स निकाल के रखो, ठीक है। फिर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, फिर यहाँ से टैली करते हैं कि आंसर्स किसके क्या आ रहे हैं। देखो मेरी स्क्रीन पर मेरे को दिख रहे हैं 11 हैंड्रेज हो चुके हैं, अगर आंसर्स आते रहे तो फटाफट हैंड्रेज करते रहो, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। 14 15 16, वही नहीं, 15 भी रुकी गाड़ी, 16 17 18 19 20। ओके चलो देखते हैं आंसर्स के, बहुत सिंपल से है ना। -30 इज डिवाइडेड बाय 10, यानी अपॉन 10 लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10 1 जा 10 10 3 जा 30, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 3। आई थिंक आंसर सही चलते जा रहे हैं ना। ये आया 50 इज डिवाइडेड बाय -5, 5 1 जा 5 5 10 जा 50, प्लस माइनस माइनस का 10, ठीक है।
चलें देखो नेक्स्ट में देखते हैं, -36/-9, -2 -cancel, 9 1 9, 9 4 36, आंसर मिला प्लस का 4, क्योंकि साइन हमारे पास पता है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 100% चेंज हो जाते हैं ना। ये 49 माइनस का, ये 49 प्लस का, 49 बन जा 49 प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। अब फटाफट एक बार हैंडरेज करके दिखा दो मेरे को ताकि मुझे लगे कि हाँ कितनों के आंसर सही आ चुके थे। फास्ट बेटा, 5 25 6 7, बस बाकी कहाँ गए, सो गए सारे? वेरी गुड, चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5th की तरफ। ई पार्ट में चलते हैं इसके, जहां बताता है 13 इज डिवाइडेड बाय -2 + 1, और एफ पार्ट हमें शो करता है 0 इज डिवाइडेड बाय -12। एफ के बाद यहां नीचे जी लिख देते हैं क्योंकि छोटा सा डिवाइड है वो तो, है ना। -31 / -30 + -1। चले फटाफट, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे होंगे या मेरे से आगे, है ना। मेरे से आगे निकलो तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट बेटा, मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है आपके हैंड्स डाउन करने का, ठीक है। तो आपके आंसर्स आगे तो प्रीवियस से रिगार्डिंग अगर हैंड्रेज है तो उसको हैंड्स डाउन कर लेना और वापस नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो देखें इसको, ये 13 का 13 डिवाइड, -2 + 1, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से 1 सेपरेट किया, रिमेनिंग रहा माइनस का 1। 1 को 13 डिवाइड करेगा तो 13 ये आ गया, 13 बन जा 13 प्लस माइनस माइनस का 13, ठीक है। सेकेंड थिंग तो सिंपल है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0 ही मिलेगा, तो आंसर नो डाउट 0 लिख देते हैं सीधे ही, और 0 का कोई साइन नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले भी इंटीजर्स वाली कंडीशन में ना, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, सिर्फ 16 एंट्रीज, जमी नहीं बात कुछ, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या मिलता है जी में। -31 / ये माइनस का 30, ये प्लस माइनस माइनस का 1, -31 / दोनों सेम साइन थे, ऐड हो गए माइनस के 31, है ना। अब मैं चाहे डिवाइड में लिख के रखूंगा चाहे ऐसे कर दू, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 31 से डिवाइड होगा कितनी टाइम, 1 टाइम, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस का 1, ठीक है। तो आंसर हम लोग जी तक पहुंच चुके हैं, एक बार फटाफट एंट्रीज कर दो ताकि मुझे पता चले कि यहां तक किस किस के सही हो चुके हैं। वेरी गुड, यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आज ही पहुंच जाएंगे, है ना। अच्छी बात है, ताकि कल की डेट में अपना ये चैप्टर एंड करके नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कल ही क्लियर कर देंगे हम लोग। एक लास्ट एच और आई, 2 पार्ट्स है हमारे पास। एच पार्ट कहता है बिग ब्रैकेट -36 / 12 / 3, एंड आई क्वेश्चन कहता है -6 + 5 / -2 + 1। देखो अकॉर्डिंग टू वर्ड मास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 36 माइनस का 12 प्लस का, 36 आता है 12 की टेबल में 3 टाइम, है ना, 12 3 36, 12 प्लस का 13, 6 माइनस का प्लस माइनस माइनस का 3, एंड डिवाइडेड बाय 3, 3 की टेबल में 3 मिलता है मुझे 1 टाइम, ठीक है।
ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का वन। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। देखे सेकंड पार्ट को, देर आर टू ब्रैकेट्स, कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने नहीं तो, देखो माइनस सिक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन। सिक्स में से फाइव सेपरेट हुआ, रिमेनिंग रहा माइनस का वन इज डिवाइडेड बाय टू में से वन सेपरेट किया, रिमेनिंग रहा माइनस का वन। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू जो थी वो बड़ी थी हमारे पास। वन को वन से डिवाइड किया वन, और माइनस माइनस मिलके बन गया आपका प्लस का वन। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा। प्रीवियस हैंड्स डाउन कर लो बेटा अपने आप लोग, ठीक है। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल सा है, बस वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट थोड़ी सी आती है, ज्यादा नहीं आती, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट थीम जो होती है वो ही तो हमारे लिए मेन होती है। चले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेरीफाई दैट कि ए इज डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए इज डिवाइडेड बाय बी प्लस ए इज डिवाइडेड बाय सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज वेयर ए इज इक्वल्स टू 12, बी इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 2। देखो हमने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या हमने कभी ये पढ़ा था स्पेशल केस में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ओवर एडिशन? नहीं पढ़ा था, यानी फुलफिल होती ही नहीं है, है ना। तभी तो इसने क्या कहा है कि ए इज डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी और ए डिवाइडेड बाय सी। चलो वैल्यू पुट करें, ए रिप्लेस किया हमने 12 से, बी इक्वल हुआ माइनस 4 प्लस सी हुआ अपना 2 के। क्लियर है? ये नॉट इक्वल का नॉट इक्वल लगाना है, बराबर नहीं होते हैं। ए इज डिवाइडेड बाय बी, ए कौन था अपना 12, को डिवाइड करते हैं बी से, बी किसको रिप्लेस करता है माइनस 4 को। ए इज डिवाइडेड बाय सी, ये ए और ये सी से डिवाइड करेगा। बस वैल्यू पुट कर दी हमने ए बी सी की, ये 12 का 12, ये डिवाइड का डिवाइड, 2 में से 4 सेपरेट हुआ, रिमेनिंग रहा माइनस 2। डिवाइड करना है 4 की टेबल में 12 आता है हमारे पास 3 टाइम, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 3 और ये प्लस। 12 की टेबल 12 आता है 2 की टेबल में 6 टाइम, ठीक है। चलो देखो 2 की टेबल में 12 मिलेगा 6 टाइम प्लस माइनस, माइनस का 6 इज नॉट इक्वल्स टू, ये देखो 3 माइनस का 6 प्लस का, रिमेनिंग रह गया 3 प्लस का। क्या मेरा LHS RHS के इक्वल हुआ था? नहीं हुआ, है ना। यानी LHS पार्ट में मिला मुझे माइनस का 6 और RHS पार्ट में मिला मुझे प्लस का 3, दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है। इट मींस जो कंडीशन पहले हमने कर रखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन, उन दोनों केस में केवल मल्टीप्लिकेशन ही काम करता है, केवल मल्टीप्लिकेशन ही काम करता है, डिवीजन काम कभी भी नहीं करता, ठीक है। डिवीजन हमारा कभी भी काम नहीं करता। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, मैं इधर करूं, आप लोग अपने घर बैठ के कोशिश करो इसको करने की कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आई थिंक मैं क्वेश्चन लिखूं उससे पहले आप अपने सॉल्यूशन निकाल के हैंड रेज करके दिखाओ मुझे कि हाँ इतना के आंसर हो चुका है। मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू माइनस 10, बी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चले ए को रिप्लेस किया मैंने माइनस 10 से, ये डिवाइड बाय, बी रिप्लेस हुआ 1 से और सी भी रिप्लेस हुआ 1 से। वो कहता है इज नॉट इक्वल,
ए डिवाइडेड बाय बी, ए कितना था माइनस टेन, जो डिवाइड हुआ किससे, वन से, प्लस ए डिवाइड यानी माइनस टेन इज डिवाइडेड बाय सी, सी बी फिर कितना था अपना वन, हमने ए बी सी को रिप्लेस कर दिया। या देखो यहां मिला माइनस टेन, ये वन और वन ऐड होते बन गया आपका टू। वो कहता है नॉट इक्वल है, इसको डिवाइड किया माइनस टेन, इसको डिवाइड किया ये भी माइनस टेन, क्योंकि वन की टेबल में टेन टेन टाइम ही आता है, ठीक है, टू की टेबल में टेन आता है माइनस फाइव टाइम, है ना, ये हुआ माइनस टेन और ये माइनस टेन, दोनों मिलके माइनस का ट्वेंटी। क्या दोनों आपस में इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू माइनस ट्वेंटी। अभी तक मेरी स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं ऑल 1600-1700 हो चुके हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है ना, 1920 कहीं तो देख देख के लिख रहे होंगे कि चलो सर का हो गया अब एंट्रीज कर देते हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, जो फिलिप्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार आपके लिए, 369 इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर देन इक्वल्स टू 369। बेटा जी वन से मल्टी डिवाइड करेंगे तभी तो वापस वो मिलेगा हमें, है ना, फिर मिलता है माइनस 75 इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू माइनस वन। देखो यहां माइनस वन आ रहा है, इट मीन्स 75 को जब 75 से ही डिवाइड करेंगे तभी तो वन मिलेगा हमें, ये माइनस है, इट मींस ये दोनों साइन डिफरेंट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, माइनस 206 इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर इज इक्वल्स टू वन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहां हमने 75 नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन किया था क्योंकि हमारा साइन आंसर का किसका था, नेगेटिव था, बट यहाँ आंसर में साइन किसका है, पॉजिटिव का साइन है, इट मींस यहां 206 101% किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं, माइनस 87 इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर देन रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 87। 87 प्लस का मिला, देखो हमें वापस वही नंबर मिला आंसर का, इसमें 100% डिवाइड किससे किया है, हमने वन से किया है, बट वन भी किसका है, नेगेटिव का है, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, ठीक है। सेम एज व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय वन, किससे डिवाइड होगा वन, कि आंसर मुझे 87 वो भी नेगेटिव मिलेगा। देखो यहां पॉजिटिव वन दे रखा है, आंसर नेगेटिव है, इट मींस नेगेटिव नंबर ही डिवाइड होगा, कौन डिवाइड हो रहा है 87, क्योंकि 87 को तो 1 से डिवाइड करने पर 87 मिलेगा अपना, है ना। सिक्स पार्ट देखिए इसका, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 48 देन रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू माइनस वन, है ना, 48 को किस नंबर को डिवाइड करेगा कि आंसर 1 लाएगा, 1 लाने का मतलब दोनों नंबर्स मेरे सेम है, दोनों नंबर्स मेरे क्या है सेम है, सेम होंगे, यानी ये भी नंबर 48 ही बनेगा। अब साइन आंसर का नेगेटिव है, इट मींस ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो नंबर हमने लिखा है वही नंबर हमारा किसका है, नेगेटिव का है। सेवन नंबर देखिए, 20 इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर देन रिजल्ट इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस टू, 10 टू जा 20 है ना, नेगेटिव लाया तो 10 किसका हो गया, नेगेटिव का। एट्थ नंबर, उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठ के इसको सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, और आंसर्स पीछे से देख देख के नहीं लिख रहे होंगे, अपने खुद के दिमाग का यूज कर रहे होंगे।
किस नंबर को फोर से डिवाइड करूं कि थ्री आ जाए? तो फोर की टेबल में थ्री टाइम कितना आता है? फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है बेटा, है ना। तो यहाँ नंबर तो ट्वेल्व ही मिलेगा मुझे, बट वो वैल्यू भी किसकी आनी चाहिए? नेगेटिव की, क्योंकि आंसर अपना नेगेटिव फॉर्मेशन में है। इट मीन्स ट्वेल्व किसका इक्वल है? माइनस ट्वेल्व के इक्वल है। ट्वेल्व अपना किसके इक्वल है? माइनस ट्वेल्व के इक्वल है। तो यहाँ तक अपने 1.4 क्वेश्चन नंबर थ्री तक के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स के भी सबके क्लियर हो चुका होगा पार्ट सारा कुछ। अभी हमारे पास लास्ट के 5 मिनट्स रिमेनिंग है, एक क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर वाला, ठीक है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी सच दैट ए इज डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। वन सच पेयर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। हमें कुछ एक पेयर्स ऐसे लिखने हैं ए को बी से डिवाइड करते हुए जिनका रिजल्ट मुझे कितना मिलना चाहिए? थ्री मिलना चाहिए। एक और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही थी हमें? राइट एनी 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी सच दैट ए इज डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, कि अगर ए को बी से डिवाइड किया तो मुझे थ्री मिलना चाहिए। तो ये लो फर्स्ट नंबर लिखा, मान लिया 12 इज डिवाइडेड बाय 4, थ्री तो आ गया। या तो 4 को नेगेटिव बना दूं तो आंसर नेगेटिव का आ गया। मान लिया लिखा 15, वो भी नेगेटिव का, इज डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15। बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं अपने पास, है ना। मान लिया लिखा मैंने 30 इज डिवाइडेड बाय 10, 10 3 13। उसके बाद लिखा मान लिया मैंने 6, वो भी माइनस का, इज डिवाइडेड बाय 2, देन माइनस 3। 24 इज डिवाइडेड बाय माइनस 8, 8 3 24। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। मान ला 48 माइनस का इज डिवाइडेड बाय 16, तो 16 3 48 प्लस माइनस माइनस का 48। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए अपने 1.4 के भी, 4 क्वेश्चन तक, 5 6 और 7 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन रीड करते हैं तो भी अपना टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन ही रीड कर पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा अपना। तो आज तक की क्लास के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में इस चैप्टर का 100% बाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको सबके पास मेरा नंबर अवेलेबल है। हाँ, एक आज गूगल फॉर्म नहीं सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 2 और 3 दी गई थी आपको, बट 3 की पीडीएफ आपके ग्रुप में अवेलेबल नहीं हुई, इसलिए मैंने पेपर में केवल 1.1 और 1.2 तक का पार्ट ही दिया है, ठीक है। हाँ, हो सकता है एक दो मल्टीप्लाई वाला पार्ट डाल दिया हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल सी मल्टीप्लाई है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर बेटा।